हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल ओम ट्यूटोरियल्स कोचिंग। आज मेरे क्रैश कोर्स की फर्स्ट वीडियो है और इसका मेन चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पार्ट टू। और मेन जो टॉपिक मैंने लिया है वो देखिए बेसिकली क्या है, गार्नर वर्सेस मरे रूल। अब देखिए आपने डिसोल्यूशन तो 12th में पढ़ा हुआ है, यहाँ पे डिसोल्यूशन पार्ट टू की बात कर रहे हैं। याद रखिएगा पार्ट वन के अकाउंट सेम है, जैसे पार्ट वन में आप अकाउंट में पढ़ते थे, यहाँ पे भी रिलेशन अकाउंट आपका सेम ऐसे ही होगा, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देन आपका बैंक अकाउंट। तो लेजर याद रखिए सब सेम है, बस उसके अंदर की वर्किंग थोड़ी सी क्या होगी बदल जाएगी। और यहाँ पे चार मेन विलन है जिसपे चैप्टर आपका डिपेंड करेगा। पहला देख लिया क्या है, गार्नर वर्सेस मरे रूल। गार्नर से मरे रूल देखिए बोलता क्या है कि जो भी आपके रियलाइजेशन का लॉस होगा वो क्या करेंगे, जितने भी पार्टनर्स आपके इंसॉल्वेंट नहीं है वो उस लॉस को खुद बेयर करेंगे और उसके वो पैसे लेके साथ में आएंगे। इंडियन प्रैक्टिस एक्ट से ये बोलता है कि जो भी आपके रियलाइजेशन का लॉस हो रहा है उसको ओल्ड पार्टनर्स को उस लॉस को बेयर करने की जरूरत नहीं है, बाकी वर्किंग सेम होंगी, सबको सेम रहेगा, बस इस लॉस को पैसे लाने चाहिए। गार्नर से मरूल ये बोलता है और इंडियन प्रैक्टिस ये बोलता है कि इस लॉस के पैसे को आपको लाने की जरूरत नहीं है। और याद रखिएगा लास्ट में जो भी पर्सन आपका इंसॉल्वेंट होता है उसके कुछ अमाउंट को क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स बेयर करते हैं और जिस रेशियो में बेयर करेंगे वो रेशियो आपका या तो फिक्स कैपिटल पे डिपेंड होगा या फ्लक्चुएट। आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहां बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। मैं थोड़ा बेसिक आपको बता देता हूं जिन लोगों को नहीं आता डिसोल्यूशन। देखिए रिलेशन अकाउंट क्या बोलता है, यहां पे आप सबसे पहले प्रिपेयर करते हैं बैलेंस शीट से रिलेशन अकाउंट। बैलेंस शीट के देखिए दो साइड होती हैं, एक आपकी होती है लाइबिलिटी और एक होते हैं आपके एसेट्स। सबसे पहले लाइबिलिटी के जितने भी टर्म्स हैं बिना कोई एडजस्टमेंट देखिए उनको इसके जस्ट अपोजिट आप यहां पर रिकॉर्ड कर देंगे और जो आपके एसेट के कुछ टर्म्स हैं उसको जस्ट अपोजिट आप यहां पर करते हैं रिकॉर्ड कर देते हैं। कुछ मैं टर्म्स यहां लिख देता हूं जिसको आप रिलेशन अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे कोई भी क्वेश्चन होगा। सबसे पहले देखिए टर्म होता है कैश बैलेंस, देन बैंक, देन ओवरड्राफ्ट, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, तो ये देखिए कुछ कॉमन टर्म्स हैं जो आपके रिलेशन अकाउंट में नहीं आएंगे। ये कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट में तो रिकॉर्ड होंगे मगर इसका रिलाइजेशन में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। क्वेश्चन देखिए स्टार्टिंग में आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, उसको कहीं नोट डाउन कर लीजिए। वैसे ही आपकी बुक का ही क्वेश्चन है एसएम शुक्ला का, तो उसके थ्रू मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पे इस क्वेश्चन की वर्किंग आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बनाते हैं यहां पे रिलेशन अकाउंट। तो यहां देख लीजिए जो आपकी लाइबिलिटी है उस लाइबिलिटी में सबसे पहला टर्म गिवन है क्रेडिटर, तो लाइबिलिटी यहां पे है तो उसको सबसे पहले क्या रिकॉर्ड करेंगे, इसके जस्ट अपोजिट राइट में बाय क्रेडिटर्स करके, ये गिवन है 32,000, पहले से रिकॉर्ड कर दीजिए। अब देखिए नेक्स्ट टर्म गिवन आपको रिजर्व फंड यहां पे रिकॉर्ड नहीं होगा। नेक्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट गिवन है वो भी यहां पे नहीं आएगा। अब आ जाता है एसेट पे, एसेट में सबसे पहला टर्म गिवन है बैंक, तो अभी आपको मैंने बताया कि बैंक आपको यहां पे नहीं आएगा, उसका रीजन है कि ये आपका रिकॉर्ड होगा बैंक अकाउंट में। तो देखिए रियलाइजेशन जिन लोगों ने पढ़ा हुआ डिसोल्यूशन, तो रियलाइजेशन में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, रियलाइजेशन सेम वैसे ही रहेगा जैसे आपने डिसोल्यूशन पार्ट वन में पढ़ा था। नेक्स्ट यहां पे आएगी मशीनरी, तो सबसे पहला टर्म हम यहां पे रिकॉर्ड कर देंगे मशीनरी, तो मशीनरी का बैलेंस यहां पे गिवन है 20,000 रुपए। नेक्स्ट आएगा फर्नीचर बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है 8,000। नेक्स्ट टर्म गिवन है यहां पे डेटर्स, तो डेटर्स का टर्म आ जाएगा 20,000 रुपए। जितने भी आपको एसेट और लाइबिलिटीज गिवन है सबसे पहले उसे आप यहां पर रिकॉर्ड कर दीजिए। अब इसके बाद एडजस्टमेंट देखिए, देखिए एडजस्टमेंट की फंक्शनिंग क्या होती है, जो भी आपको ये एसेट दिख रहे हैं इन एसेट से पैसे आपको रिसीव होते हैं, अभी तो भैया फॉर्म इंसॉल्वेंट हो रही है, तो यहां पे जितने भी एसेट है उससे जो पैसे रिसीव होंगे ये आपको एडजस्टमेंट में गिवन होगा और इसको इसके जस्ट अपोजिट आप राइट में क्या करेंगे रिकॉर्ड कर देंगे। और अगर लाइबिलिटीज रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट दी है कि आपको क्रेडिटर्स को पैसे देने तो वो इसके जस्ट अपोजिट यहां पे टू बैंक करके रिकॉर्ड हो जाएगा, या हो सकता है कोई पार्टनर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसके नाम से रिकॉर्ड होगा। यहां एडजस्टमेंट में सबसे पहले बोला जा रहा है द पार्टनरशिप इज डिसॉल्व ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ बी, और याद रखिएगा इस पूरे क्वेश्चन में एक पार्टनर जो बी है वो इंसॉल्वेंट हो रहा है, आप इस एक पार्टनर के इंसॉल्वेंसी का केस यहां पर पढ़ रहे हैं। फिर आगे लिखा है हु इज अनएबल टू कॉन्ट्रीब्यूट एनीथिंग, वो पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया, वो अपने साथ कुछ भी पैसे कैश में नहीं ला पा रहा है। मशीनरी रिलाइज 15,000, तो सबसे पहले लिखा है कि जो मशीनरी है ये 15,000 में रिलाइज हो रही है, तो इसको आप रिकॉर्ड कर देंगे बाय बैंक करके ब्रैकेट में दीजिए मशीनरी और यहां पे आपका आ जाएगा 15,000। फिर उसी के जस्ट आगे लिखा है फर्नीचर 3200, तो रिकॉर्ड कर दीजिए फर्नीचर और इसका अमाउंट आ जाएगा आपका 3200।
फिर आगे लिखा है ओनली 12,000 वॉज रिकवर्ड फ्रॉम डेटर्स, तो डेटर से जो पैसा रिसीव हो रहा है वो आपका 12,000 है, इनको यहां रिकॉर्ड कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए गिवन है क्रेडिटर्स वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, मतलब जो यहाँ क्रेडिटर्स 32,000 गिवन है इसको आप पैसे दे तो रहे, तो पहले रिकॉर्ड कर दीजिए बैंक, यहां पे ब्रैकेट में देखिए क्रेडिटर्स तो 32,000 है और यार 32,000 में 5% आप इसे डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 32,000 का 5% क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो यहां बैलेंस आपका आ जाएगा 30,400। अब देखिए इतना ही टर्म यहाँ पे रिकॉर्ड होगा, इसके अलावा कोई भी टर्म यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगा। तो अब इसकी लास्ट में फंक्शनिंग क्या करेंगे, दोनों साइड की टोटलिंग कर लीजिए, इस साइड की भी और इस साइड की भी। तो आप देखेंगे लेफ्ट साइड का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 78,400 और राइट में आप देखेंगे बैलेंस थोड़ा सा कम आ रहा है, क्रॉस चेक कर लीजिएगा। राइट में जो बैलेंस कम आएगा उसे आप क्या करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे, तो सबसे पहले ये अमाउंट ज्यादा है उसी अमाउंट को आप यहां पे लिख देंगे 78,400 और देखिए जो बैलेंस कम आ रहा है उसे आप रिकॉर्ड कर देंगे बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स, स्पेस कम है यहां भी मैं लिख दे रहा हूं लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स, और देखिए जो इसका लॉस आ रहा है वो लॉस क्या करेंगे आप ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, पहले लॉस देख लेते हैं, इस अमाउंट में से इसके टोटल को आप माइनस कर देंगे, तो जो इसकी बैलेंस फिगर आ रही है वो देखिए यहां पे आ रही है आपकी 16,200 और इस अमाउंट को आप ओल्ड रेशियो में क्या करेंगे ए बी सी में, ओल्ड रेशियो देखिए क्वेश्चन में इक्वली गिवन है तो इस 16,200 को इक्वली आप तीनों पार्टनर्स में बांट देंगे, तो पहले पार्टनर में आ जाएगा 5400, देन 5400 और लास्ट में इसमें कितना आ जाएगा 5400। तो इस तरीके से देखिए आप रिलेशन अकाउंट बनाते हैं, बाकी काफी अच्छों को जो 12 में पढ़ के आ रहे हैं तो उनको रिलेशन अकाउंट बनाना आता होगा, सेम उसी तरीके से आप रिलेशन अकाउंट बना रहे हैं, इन टर्म्स का इफेक्ट कहीं भी रिलेशन पे नहीं पड़ेगा, ये जो टर्म्स का इफेक्ट है ये आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को इफेक्ट करेगा। तो मैं आपको बताता हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कैसे करेंगे, तो देखिएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक लाइबिलिटी होती है, इसकी स्टार्टिंग हमेशा आप कहां से करेंगे राइट से, सबसे पहले टर्म यहां पर रिकॉर्ड होगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ध्यान रखिए जो भी आपको बैलेंस शीट में कैपिटल गिवन है वो उसके जस्ट अपोजिट आप यहां पर रिकॉर्ड करते हैं, तो देखेंगे लाइबिलिटीज में दो की कैपिटल गिवन है ए की और सी की, ए का अमाउंट गिवन है 8,000 वो यहां लिख दीजिए और सी का अमाउंट गिवन है 6,000 वो यहां पर लिख देंगे, बी की कैपिटल आपको एसेट में गिवन है तो उसको इसके जस्ट अपोजिट यहां पर रिकॉर्ड कर देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके, बी का अमाउंट आ रहा है 3,000 वो यहां पे रिकॉर्ड कर दीजिए। अब देखिए नेक्स्ट टर्म यहां पे जो भी आपके रियलाइजेशन का ये लॉस दिख रहा है आपको इस लॉस को इसके जस्ट अपोजिट आप यहां पे रिकॉर्ड कर देंगे, तो डेबिट साइड आ जाएगा आपका टू रियलाइजेशन अकाउंट और ये जो बैलेंस आपका आ रहा है 5400 इसको आप यहां पर रिकॉर्ड कर देंगे तीनों पार्टनर में। अब इसका देखिए क्या करेंगे नेक्स्ट टर्म आपका आता है जो बैलेंस शीट में अभी आपको बनाया था कुछ टर्म्स यहाँ पे जैसे जनरल रिजर्व गिवन है प्रॉफिट लॉस गिवन है तो ये इसके जस्ट अपोजिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर होता है, यहाँ पे आपको लाइबिलिटीज में रिजर्व फंड करके 9,000 दिया है तो ये क्या करेंगे इसके जस्ट अपोजिट राइट में रिकॉर्ड हो जाएगा बाय रिजर्व फंड और जो 9,000 बैलेंस आ रहा है इसको आप ओल्ड रेशियो में क्या करेंगे तीनों पार्टनर्स में बांट देंगे, ओल्ड रेशियो में इक्वली है तो पहले पार्टनर में आ जाएगा 3,000 देन 3,000 और देन यहां पे आ जाएगा 3,000 पे। अब इसके बाद देखिए क्या इनमें से और कोई टर्म गिवन है, नहीं आपने सारे एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट कर लिया और यहाँ पे बैलेंस शीट में जितने भी टर्म्स है वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो गए। अब यार रखिए यहां पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे गार्नर वर्सेस मरे रूल, गार्नर से मरे रूल ये बोलता है कि जो भी आपके रियलाइजेशन का लॉस है वो क्या करेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैश में उस पैसे को लेके आएंगे, सिर्फ वो पार्टनर नहीं लाएगा जो इंस्टॉलमेंट हो रहा है वो तो पहले ही कंगाल है तो क्या वो कुछ कैसे कैश में ला पाएगा, नहीं यहां देखेंगे बी इंस्टॉलमेंट हो रहा है तो ए और सी का जो ये 5400 है ये आप राइट में रिकॉर्ड कर देंगे बाय बैंक अकाउंट से, कैश से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं तो इसके लिए ये चेक कर लीजिएगा कि बैलेंस शीट में आपको बैंक गिवन है तो यहां भी आप बैंक से इसको रिकॉर्ड कर देंगे, ये जो बैलेंस आ रहा है 5400 ये इसमें आ जाएगा और यहां पर जो 5400 आ रहा है वो यहां पर रिकॉर्ड हो जाएगा, बी में कुछ नहीं आएगा उसका रीजन है कि बी इंस्टॉलमेंट हो रहा है, बी में देखिए तब ट्रीटमेंट होता अगर एडजस्टमेंट में कुछ अमाउंट गिवन होता कि 2,000-3,000 कुछ पैसे अपने पास से लेके आ रहे हो सकता है उसके कुछ पैसे रेनिंग होते कुछ सेविंग्स होती मगर यहां पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी है तो बी में आप कुछ भी अमाउंट रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब देखिए लास्ट में जो पर्सन आपका इंसॉल्वेंट हो रहा है सिर्फ उसका कैरिड डाउन बैलेंस आप कैलकुलेट करेंगे, बी इंसॉल्वेंट हो रहा है तो बी का पहले क्या करिए कैरिड डाउन बैलेंस कैलकुलेट कर लीजिए रफ में, कैरिड डाउन देखिए कैसे आता है बी के अगर मैं यहां की टोटलिंग करूंगा तो 3,000 आ रहा है
लेफ्ट साइड की टोटिंग करूंगा तो 3000 प्लस 5400, तो आप देखेंगे ये बैलेंस ज्यादा आ रहा है। कितना ज्यादा आएगा, 3000 में से 3000 कैंसिल कर दीजिए। तो अगर बी के कैरी डाउन की बात करें तो कैरी डाउन उसका आएगा 15400। अब आप इसे 5400 को क्या करेंगे, जो भी ओल्ड पार्टनर्स है, ओल्ड पार्टनर मतलब होता है ए एन सी, जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो इस लॉस को क्या करेंगे, इस कैरी डाउन बैलेंस को खुद अपने पास से पैसे लेके आएंगे। उसका देखिए रीजन ये होता है कि यहां तीनों की फर्म है, फर्म तो बंद हो रही है और यहां पे बी इंस्टॉलमेंट हो रहा है, तो उसका जो भी लॉस होगा, जो भी कैरेंट ऑफ बैलेंस है वो खुद तो ला नहीं पाएगा, तो उस लॉस को कैरेंट ऑफ बैलेंस को कौन बेयर करेगा, जो आपके रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं, और वो जिस रेशियो में बेयर करेंगे वो रेशियो आपको बताएगा फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ध्यान रखिए ये जो मैं फर्स्ट मैंने आपको बता रहा हूं ये फिक्स कैपिटल पे बेस्ड है, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया होगा तो आप फिक्स कैपिटल लेके ही करेंगे। यहां मैं आपको सबसे बता रहा हूं फिक्स कैपिटल के बेसिस पे इस कैरेटम को कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सबसे पहले तो आपको जनरेटरी बता देता हूं, तो यहां जो एंट्री का ट्रीटमेंट करेंगे वो रिकॉर्ड हो जाएगा डेबिट में आपका टू बीस कैपिटल, और क्रेडिट में रिकॉर्ड हो जाएगा बाय एस कैपिटल एंड बाय सीस कैपिटल। इस तरीके से यहां से रिकॉर्ड कर दीजिए। अब अमाउंट कितना आएगा, तो इस 5400 को आप बांट देंगे ए और सी की जो कैपिटल आ रही है उसके रेशियो में, तो ए और सी की देखिए कैपिटल कितनी है 8000 एंड 6000, तो यहां पे 8000 लिख दीजिए, यहां पे 6000, इसका रेशियो निकाल लेते हैं, इसका रेशियो आपका आ जाएगा 8:6 और कैंसिल कर लीजिए तो ये आपका आ जाएगा 4:3। तो इस 5400 को आप 4:3 में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो यहां बांट देते हैं 5400 इंटू 4 आ जाएगा 3086, और इसी तरीके से 5400 इंटू 3/7 तो ये अमाउंट आपका आ जाएगा 2314। तो यहां से इसका रेशियो बांटेंगे तो अमाउंट आपका आ जाएगा 3086 एंड 2314, उसको आप यहां पे क्या करेंगे रिकॉर्ड कर देंगे। तो यहां देखिए जब आप लिख रहे हैं टू बीस कैपिटल तो अमाउंट आपका बी में नहीं जाएगा, अमाउंट आपका जाएगा ये आ जाएगा 3086 और यहां पे अमाउंट आ जाएगा 2314। यहां पे जब ए और सी लिख रहे हैं तो अमाउंट आपका आएगा बी में 3086 2314, अमाउंट आपका यहां रखिएगा अपोजिट कॉलम में जाता है। अब इसके लास्ट में आप क्या करेंगे, दोनों साइड की टोटिंग करिए, इस साइड की भी और इस साइड की भी, और जो भी आपकी बैलेंस वगैरह आ रही है वो रिकॉर्ड बैलेंस वगैरह आप रिकॉर्ड कर देंगे बैंक से। तो पहले इस साइड की टोटिंग कर लेते हैं, यहां पे देखिए टोटल आपका आ रहा है 16400, बी की टोटिंग करेंगे ये आपका आएगा 8400 और सी का टोटल आपका आ रहा है 14400। ठीक है, ये वो जरूर चेक कर लीजिएगा कि अमाउंट किस साइड कम आ रहा है, तो मैंने इस साइड की टोटिंग इतनी लिखी है, डेबिट साइड जब टोटिंग करेंगे तो आप देखेंगे यहां 16000 है, यहां आप देखेंगे अमाउंट मुझे कम दिख रहा है, तो यहां पे जो बैलेंस वगैरह है वो रिकॉर्ड हो जाएगी टू बैंक अकाउंट करके, और ये आपकी देखिए हो जाएगी बैलेंस फिगर जो अभी बैंक अकाउंट में रिकॉर्ड होगी। अब देखिए बैलेंस फिगर यहां पे आपकी आ रही है, टोटिंग तो सेम होगी 16400 और जो अमाउंट कम आ रहा है वो रिकॉर्ड हो जाएगा 7914। बी की टोटलिंग कर लेते हैं, बी में 8400 आएगा, बी में देखिए कोई भी बैलेंस फिगर नहीं होगी क्योंकि इसकी वर्किंग आपने वहां पे कर दी है। अब सी का जो टोटल आ रहा है वो आएगा 14400, यहां भी देखेंगे अमाउंट कम आ रहा है, अमाउंट आपका आ जाएगा 6686। इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट यहां पे करेंगे, तो आई होप आपको कैप्टन अमाउंट समय आ गया होगा। क्या अलग है ये भी अब समय आ गया होगा कि आपने जो डिसोल्यूशन पढ़ा था, देखिए उससे थोड़ा सा अलग यहां पे क्या हो जाएगा कि जो भी आपके रियलाइजेशन के लॉस आ रहे हैं पहले क्या करेंगे, जो पर्सन इंसॉल्वेंट नहीं हो रहे वो को क्या करेंगे बैंक के फॉर्म में राइट साइड इंट्रोड्यूस करेंगे कि उनको पैसे लेके आना है। उसके बाद जो भी पर्सन आपका बी इंसॉल्वेंट हो रहा है पूरा क्वेश्चन करने के बाद उसकी बैलेंस शीट का निकालिए, बैलेंस शीट का देखिए कितनी आ रही है 54, और यहां पे कंफ्यूज मत हो जाइएगा, कोइंसिडेंस आप देखेंगे कि यहां भी 54 आ रहा है जो रिलेशन का लॉस है और यहां 54 आ रहा है, तो आधे लोग को तो लगेगा 54 वही अमाउंट है, नहीं, यहां पे जो भी पर्सन इंसॉल्वेंट होता है उसके कैरेट डाउन बैलेंस को लेते हैं। कैरेट डाउन ये होता है राइट साइड की टोटलिंग करिए, लेफ्ट साइड की टोटलिंग करिए, और जो आपका अमाउंट डिफरेंस होगा वो डिफरेंस आप यहां पे लिख देंगे, और उस अमाउंट को ए और सी, उसका रीजन यहां पे बी इंसॉल्वेंट हो रहा है सिर्फ एक पार्टनर, तो ए और सी क्या करेंगे इस कैरेट डाउन बैलेंस को क्या करेंगे बेयर करेंगे। कैसे बेयर करेंगे उसके अभी मैंने आपको बताया था फिक्स कैपिटल, अभी मैं इसी के आगे बताऊंगा कि फ्लक्चुएटिंग में क्या रेशियो होता है। तो फिक्स के केस में देखिए क्या करेंगे, जो भी आपका उन दोनों की कैपिटल आ रही है उस कैपिटल का रेशियो निकाल लीजिए और उस रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कैसे करेंगे, डेबिट में आपका आ जाएगा टू बीस कैपिटल जो इंसॉल्वेंट हो रहा है और राइट में रिमेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल आ जाएगी। बाकी ट्रीटमेंट देखिए आपका वैसे ही है, चाहे मैं रियलाइजेशन की बात करूं
चाहे कैप्टन मत करो, जो आपने डिसोल्यूशन में पढ़ा है सेम वैसे ही आपका ट्रीटमेंट यहां पे भी होगा। अब मैं आपको बताता हूं यहां पे बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट भी देखिए बिल्कुल सेम वैसे ही है। बैंक अकाउंट में तो कोई भी चेंजेस नहीं होंगे जो आपने डिसोल्यूशन में पढ़ा हुआ है। मैं क्यों डिसोल्यूशन बार बार बोल रहा हूँ कि आपको ये ना लगे कि ये कोई नया चैप्टर है अलग, मगर काफी हद तक कॉन्सेप्ट आपका वही डिसोल्यूशन से रिलेटेड है। तो एटलीस्ट आपको ये स्टार्टिंग ना लगे बहुत टफ चैप्टर है, बहुत कंफ्यूजिंग है, जो नया चैप्टर चला नहीं, इसका 50% तो आपने पढ़ा हुआ है, रिलेशन तो आपको आता है, सिर्फ यहाँ पे कुछ टर्म्स आपको फोकस करना है जो आपके अलग होते जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ बैंक अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है। अब बात कर लेते हैं बैंक अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है। सबसे पहले देखिए इस बैंक अकाउंट में बैलेंस शीट में से एक टर्म रिकॉर्ड होगा, जो भी आपको एसेट में बैंक अमाउंट गिवन है वो सबसे पहले आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे, और अगर ओवरड्राफ्ट गिवन होता तो उसको आप यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। लेफ्ट साइड रिकॉर्ड आपका हो जाएगा ब्रॉट डाउन बैलेंस करके, बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहाँ देखिए जो अमाउंट क्वेश्चन में आपको गिवन था बैलेंस शीट में 4000 रुपए, वो 4000 आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके इसे रिकॉर्ड करके। अब इसका देखिए जो आपने रिलेशन अकाउंट अभी बनाया था उस रिलाइजेशन में अगर डेबिट में कोई भी बैंक आ रहा है तो वो उसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे रिकॉर्ड होगा, और अगर क्रेडिट में कोई भी बैंक आ रहा है तो उसमें जो भी अमाउंट होगा वो उसके अपोजिट यहाँ पे क्या होगा रिकॉर्ड होगा। तो इसको जिगजैग फॉर्म मैंने दिया हुआ है, जिगजैग मींस होता है कि अपोजिट साइड बैंक में क्या करेंगे आप अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे, तो एक लेजर से जब दूसरे लेजर बैलेंस आता है तो वो जस्ट उसके अपोजिट रिकॉर्ड होता है। तो यहां देखेंगे डेबिट में आपका बैंक में आ रहा था क्रेडिटर्स, तो उसको आप राइट में रिकॉर्ड कर देंगे बाय लेजर का नाम, देखिए क्या होगा रियलाइजेशन कितना अमाउंट आ जाएगा 30,400। राइट साइड जो बैंक आ रहा था वो आप डेबिट में रिकॉर्ड कर देंगे टू रियलाइजेशन करके, और यहां पे क्या करेंगे जो उसका टोटल आ रहा है आप एक एक करके भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, या उसका जो टोटल मैंने आ रहा था वो टोटल आप डेबिट में रिकॉर्ड कर दीजिए 30,200। अब उसका देखिए क्या यहां पे कोई बैंक आ रहा है डेबिट पे, अब देखेंगे ये बैंक आ रहा है तो ये भी क्या करेंगे उसके जस्ट सपोजिट यहां पे रिकॉर्ड करेंगे, नाम क्या होगा बाय एस कैपिटल, क्या देखिए आ जाएगा 7914। नेक्स्ट आ जाएगा यहां पे बाय सीज कैपिटल, यहां पे आपका आ जाएगा 6686। अब इसके देख क्या करेंगे क्या राइट में कोई बैंक आ रहा है, देखेंगे यहां पे दो बैंक आ रहे हैं तो इसको भी आप डेबिट में रिकॉर्ड कर देंगे टू एस कैपिटल, यह अमाउंट आ जाएगा 5400, और टू सीज कैपिटल ये भी अमाउंट कितना आ जाएगा 5400। अब देखेंगे यहां पे कोई बैंक नहीं आ रहा है तो लास्ट पे इसकी टोटलिंग कर लीजिए, अगर इसका टोटल सेम आ रहा है जैसे बैलेंस शीट में आपका होता है तो इसका पूरा क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है। तो इसमें देखिए लेफ्ट साइड का टोटल आपका आ जाएगा 45,000, और इस साइड का टोटल भी आपका आ जाएगा 45,000। इस तरीके से देखेंगे क्वेश्चन पूरा आपका कंप्लीट हो गया। तो देखेंगे बैंक अकाउंट सेम है, कैपिटल अकाउंट सेम है, रिलेशन अकाउंट काफी तक सेम है, जो आपने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था बस यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है उसमें अलग क्या है, उसमें ये जो मैंने आपको वर्किंग बताई है बस ये अलग है, और आपको इन पॉइंट्स पे फोकस करना है कि एग्जाम में जब इस तरीके से पॉइंट्स होंगे तो कैसे उसका ट्रीटमेंट आप करेंगे। अब मैंने देखिए आपको गाने से मरे रूल बता दिए और फिक्स कैपिटल एक्सप्लेन कर दिए, अब मैं आपको इसी क्वेश्चन बता रहा हूँ कि जब आपको इंडियन प्रैक्टिस एक्ट के थ्रू क्वेश्चन करना होगा या आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मिल जाएगी तो क्वेश्चन में चेंजेस क्या होंगे। याद रखिएगा क्वेश्चन में रियलाइजेशन अकाउंट में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, रियलाइजेशन अकाउंट सेम वैसे रहेगा, वैसे आप लॉस प्रिपेयर करेंगे पूरा सेम रहेगा जैसे यहाँ पे फंक्शनिंग की थी, कैपिटल अकाउंट पूरा सेम रहेगा, बस कैपिटल अकाउंट में एक डिफरेंस आ जाएगा जब आप इंडियन प्रैक्टिस एक्ट की बात करेंगे, जो यहाँ पे देखिए रिलेशन में लॉस आ रहा है 5400 5400 5400, ये लेफ्ट में तो रिकॉर्ड होगा मगर राइट में जो मैंने बाय बैंक करके ये टर्म रिकॉर्ड किया है ये यहां से हट जाएगा, ये आपका राइट में रिकॉर्ड नहीं होगा कि इंडियन प्रैक्टिस एक्ट के थ्रू जो भी आपके लॉसेज होते हैं उसको आपको इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए ओल्ड पार्टनर्स को कैसे कैश में लाने की जरूरत नहीं होगी, ये जो भी 5400 का लॉस हो रहा है वो कैश में लेके आए, नहीं इंडियन प्रैक्टिस ऐसा नहीं बोलता है। दूसरा यहाँ पे चेंज होगा जब आप बात करेंगे फ्लक्चुएटिंग की, रखिएगा इन दोनों का सिर्फ ये रोल है कि आपको यहाँ पे जो करेक्ट बैलेंस आ रहा है उसको किस रेशियो में बांटना है, आपको सिर्फ ये चीज बताएंगे। तो फ्लक्चुएटिंग के केस में देखिए क्या होता है, जो भी आपकी करेक्ट बैलेंस 54 आ रहा है उसको ए और सी की कैपिटल में नहीं बांटेंगे, उस पर कुछ कैपिटल का रेशियो आपका चेंज जाएगा, क्या करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे ए और ए की और सी की पहले तो कैपिटल कितनी आ रही है, तो ए की कैपिटल आपकी आ रही 8,000 और सी की कैपिटल यहाँ पे आ रही है 6,000। इन दोनों में क्या करेंगे आप, जो बी की कैपिटल है ये कैपिटल आपको बैलेंस शीट में गिवन है तो बी की कैपिटल देखिए 3,000 है, उस 3,000 कैपिटल को इसमें प्लस कर दीजिए इसमें भी और इसमें भी, अब देखिए इनका रेशियो कितना हो जाएगा, तो इसका टोटल हो जाएगा आपका 11,000 और इसका टोटल हो जाएगा आपका 9,000, और इसका जब आप रेशियो निकालेंगे तो ये रेशियो हो जाएगा 11:9। तो जो यहाँ पे मैंने 5400 को 4:3 में बांटा था अब मैं इसको किस में बांटूंगा 11:9 में, डिस्ट्रीब्यूट ऐसे ही होगा डेबिट में टू बी कैपिटल करके और राइट साइड पर एस कैपिटल और बाय सी कैपिटल करके।
रखिएगा, इन दोनों का सिर्फ चेंज क्या होता है कि जब आप फिक्स की बात करेंगे तो वहां पे कैपिटल क्या होगी, ए और सी की जो रिमेनिंग पार्ट है उसकी ओल्ड कैपिटल, और जब फ्लक्चुएटिंग की बात करेंगे तो वहां पे कैपिटल रेशियो बदल जाता है। कैसे बदलेगा, जो उनकी ओल्ड कैपिटल है उसमें बी जो इंस्टॉलमेंट हो रहा है उसकी कैपिटल भी आप क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। बाकी यार क्या पूरी फंक्शनिंग यहाँ पे सेम है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जो आप पढ़ना स्टार्ट करें तो डिसोल्यूशन का कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर है, और इसका अपनी बुक के कुछ क्वेश्चन तो आप ट्राई कर सकते हैं, और इसका जो मैंने बेसिक देखे पॉइंट बताए क्या अलग है, कब करने से मरे रूल में क्या आपको अप्लाई करना है उसको अच्छे से देखिए कि वो पॉइंट्स आपके एग्जाम में आपको हेल्प आउट करेंगे। अब देखिए लास्ट में आपको मैं फिर से तीन नए पॉइंट बता रहा हूं। पहला पॉइंट देखिए क्या है, गाने से मरे रूल ये बोलता है कि जो भी आपका ये रिलेशन का लॉस आ रहा है इसे रिमेनिंग पार्टनर्स कैश पे लेके आएंगे। इंडियन प्रैक्टिस ये बोलता है कि आपको इस लॉस को लाने की जरूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग में डिफरेंस ये होता है कि फिक्स के केस में जो भी आपका कैरी नो बैलेंस आ रहा है उसको ए और सी की ओल्ड कैपिटल में आप बांटेंगे, और फ्लक्चुएटिंग केस में क्या होगा कि ए और सी का जो भी अमाउंट है वो कैपिटल आपकी पहले जो होती है वो बदल जाएगी। कैसे बदलेगी, उसमें आप बी के जो इंस्टॉलमेंट है उसकी कैपिटल को ऐड कर देंगे, और उसके बाद जो आपका एट प्रेजेंट कैपिटल आ रही है उसके रेशियो में आप क्या करेंगे, इस क्रेडिट को पेयर करेंगे। बाकी फंक्शनिंग यहां पे सेम रहेगी। थर्ड पॉइंट आप लोग के लिए होमवर्क है, होमवर्क ये है कि इसी से रिलेटेड लास्ट में जब वीडियो खत्म हो जाएगी तो आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना हो मेरी नेक्स्ट वीडियो से पहले इसी वीडियो के एंड में आपको कमेंट करना होगा। इसमें कमेंट में आप आंसर लिख सकते हैं, रिलेशन का क्या आपको आ रहा है, कैपिटल का क्या आ रहा है, लास्ट में बैंक अकाउंट आपका टोटल क्या आ रहा है, वो मैच कर भी रहा है नहीं कर रहा है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा इसका सोल्यूशन क्या है। तो प्लीज 10 दिन का आपके पास टाइम है, तो जो मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं उसको भी आप सॉल्व करिए, तभी आपको समझ में आएगा कि आपको ये आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, वरना मेरे बताने से कुछ नहीं होगा। मैंने आपको बता दिया, आपने देख लिया आपके मुझे तो आ गया नहीं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ये तो मैंने आपको बता दिया है, मगर वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करिए तब आपको क्लियर होगा मुझे आया या नहीं आया। तो नेक्स्ट वीडियो उसका मैं एक्सप्लेनेशन आपको बताऊंगा शॉर्ट में, मगर उससे पहले इस वीडियो के एंड में क्वेश्चन देख के कमेंट में आंसर जरूर लिखिएगा, तभी मुझे पता चलेगा कि आपको समय आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। और दूसरी चीज, जो भी वीडियोस होंगी उनको सीक्वेंस में देखिएगा कि टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है, तो इस वीडियो को देखिए, नेक्स्ट वीडियो जाएंगे उसको भी साथ में देखिए, पूरे फ्लो में देखिए क्योंकि यहां से मेन मेन पॉइंट्स पे लेके चल रहा हूं, प्लस अपनी बुक के क्वेश्चंस भी करिए, तभी इन वीडियोस का आपको बेनिफिट होगा। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आपको कोई भी डाउट्स है, कोई और कुछ चीज आपको पूछनी है, आप कमेंट भी ले सकते हैं, या नीचे देखिए मेरा ईमेल आईडी भी गिवन है, फेसबुक पेज का लिंक गिवन है, तो वहां पे आप आके भी मुझसे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।